हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू हाइड फोटो एंड वीडियोस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सैमसंग के इस डिवाइस में आप किस तरीके से अपने फोटोज वीडियोस को हाइड कर पाएंगे, गैलरी से कैसे छुपाने हैं फोटोज को या फिर वीडियोज डॉक्यूमेंट्स को। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइज, विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर हमने गैलरी ओपन की है और यहाँ पर अगर आपको कोई भी फोटो हाइड करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से फोटो को प्रेस करके रखना है और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद मूव मूव टू सेव स्क्वायर फोल्डर, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपके फ़ोटोज़ मूव हो जाते हैं स्क्वायर फोल्डर में। जब आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस नहीं आता है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे जाना होगा और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है स्क्वायर फोल्डर। ओके, स्क्वायर फोल्डर सर्च करना है, उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर फोल्डर पर उस पर क्लिक कर देना है। ओके, तो इसके यहाँ पर परमिशन अलाउ कर देनी है या फिर आप यहाँ पर आएंगे होम स्क्रीन पर। ओके, तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है स्क्वायर फोल्डर। ओके, स्क्वायर फोल्डर सर्च कर लेना है और उसे यहाँ पर अलाउ कर देना। ओके, जब यहाँ पर आपका स्क्वायर फोल्डर अलाउ हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपका स्क्वायर फोल्डर में ये एप्लीकेशन आ जाते हैं, फोटोज़ वगैरह के और भी बहुत सारे एप्लीकेशन पहुँच जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे फोटोज़ गायब हो चुके हैं यहाँ से। ओके, तो अब आपके फ़ोटोज़ यहाँ पर कहाँ आएंगे, ये है आप यहाँ पर स्क्वायर फोल्डर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये मिल जाती है गैलरी, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके रिसेंट में जाएंगे तो ये तीन फोटो मैंने हाइड किए थे, वो तीनों फोटो यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोटोज़ को यहाँ पर हाइड कर पाएंगे, वीडियोस को भी हाइड कर पाएंगे या फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो भी यहाँ पर आप हाइड कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आपके कुछ एप्लीकेशन भी आ रखे हैं, इन्हें भी आप यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कोई भी फ़ोटो वीडियोज़ को हाइड कर पाएंगे। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।